हेलो एवरीवन, आज 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के शेयर में धीरे से पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। पिछले दिन में 91 रुपीज पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन में उसमें 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड को इस प्राइस में खरीदना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं उसके पिछले एक हफ्ते का डेटा निकालूं तो पिछले एक हफ्ते में अशोक लेलैंड के शेयर्स में ऑलमोस्ट 2.13% का ग्रोथ देखने को मिला है। 85 रुपीज तक का लो यह शेयर बना चुका था। यहां से देखिए, 91 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था एक हफ्ते पहले, उसके बाद कंटिन्यूअस इसमें गिरावट आई और 85 रुपीज तक चला गया ये शेयर। लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया है ये शेयर ने। 91.30 रुपीज का हाई इसने बनाया है। पिछले एक महीने की बात करें तो अशोक लेलैंड के शेयर में पिछले एक महीने में हालांकि 5.49% का ग्रोथ जरूर है। 93.85 रुपीज का हाई बनाया है और 85.30 रुपीज का लो बनाया है। यहां से देखिए, 93.85 का हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूअस इसमें गिरावट आई, अब यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। पिछले एक साल की बात करें तो 37% की गिरावट जरूर है। 78.95 रुपीज का लो बना है और 165 रुपीज के आसपास का हाई इसमें बना है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में अशोक लेलैंड के शेयर में 14% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 74.75 रुपीज का लो बनाए। देखिए, पिछले 3 साल में ये शेयर 75 रुपीज से नीचे नहीं गया है। 75 रुपीज से नीचे ये शेयर नहीं गया है और 165 रुपए से ऊपर नहीं गया है ये शेयर। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में ये शेयर ऑलमोस्ट 870% का ग्रोथ देखने को मिला है। 8.85 रुपीज का लो बना है और 165 रुपीज के आसपास का हाई बना है इसमें। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 26,800 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में बात की जाए तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए कि नेट सेल्स इसकी जो गिरावट थी उसकी वजह सबसे ज्यादा यही है कि इसके जो नेट सेल्स है और उसमें काफी ज्यादा से गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम बात करें नेट सेल की, तो नेट सेल में 15% से भी ज्यादा की गिरावट है। नेट प्रॉफिट में 17% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन भी इसका क्वार्टर दर क्वार्टर गिर रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन भी ये गिर रहा है और यही एक चीज है जो इसके शेयर्स को बहुत नीचे तक लेके जा रही है। और अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग की तो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें नहीं है। एफआईएस के पास 21.90% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.92% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.52% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 17.79% की होल्डिंग है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 436 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है। और देखिए, 243% डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 2.43 रुपीज मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें अशोक लेलैंड के, अगर मैं मनी कंट्रोल में जाऊंगा अभी तो 79% बाइंग रिकमेंडेशन है, 18% सेलिंग है, 3% होल्ड करने के लिए लोग इसको बोल रहे हैं। और सबसे पहले अगर मैं इनके फाइनेंशियल डेटा को निकालूं तो बैलेंस शीट में सिर्फ 515 करोड़ का ही इन लोगों के ऊपर कर्जा है, तो वो कर्जा निग्लेक्टेबल है। क्योंकि देखिए, यहां पर आप देखेंगे इसके नेट सेल इनके बहुत ही बढ़िया है, 6,000-7,000 करोड़ के नेट सेल्स हैं और नेट प्रॉफिट भी 400 से 500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो जो 515 करोड़ का कर्जा है वो तो निग्लेक्टेबल है ही है। तो टोटल असेट्स की भी बात करें तो 7,680 करोड़ के टोटल असेट्स इनके पास ऑलरेडी है। और यहां पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो देखिए, रिलायंस टैक्स सेवर्स, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई और रिलायंस विजन, बहुत लोगों के पास इनके करोड़ों में होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो करोड़ों में होल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अशोक लेलैंड, देखिए मैं इस शेयर्स में आपको हमेशा कह रहा हूं कि आप इसमें बाइंग कीजिए। अगर जब जब इसमें गिरावट आए तब तब आप इसके शेयर्स में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमेशा 3 साल में एक ऐसा ऐसा वक्त आता है जब इसमें गिरावट देखने को मिली है। जो गिरावट, ऐसी गिरावट 2016 में भी देखने को मिली थी जब ये शेयर 107 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद ऐसी गिरावट आई थी कि ये शेयर 75 रुपये पर चला गया था।
लेकिन 2016 के स्टार्टिंग में थर्ड तीसरे महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, और 2016 के अंत में दिसंबर तक ये शेयर 75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है 2018 में, ये शेयर डबल हो गया था, पैसा इसने डबल कर दिया था। तो मैं इसी तरह से वही कहूंगा कि सेम चीज, ऐसी गिरावट अगेन यहां पर आई है, और अगर आप इसमें 1 या 2 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपका पैसा ये डबल कर सकता है अगर आप 2 साल इन्वेस्टेड रहेंगे यहां से। तो यही मेरा कहना है कि अगर जिसने खरीदा हुआ है वो होल्ड करे, और जिसने नहीं खरीदा वो डेफिनेटली इसमें बाई कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।